चैनल बन सकें। आज आपको कुछ साउथ इंडियन सिखाऊंगा और ऐसा सिखाऊंगा जो आप इजीली अपने घर पे बना सकते हैं, बिकॉज जो भी इंग्रेडिएंट हम लोग यूज करेंगे वो सब आपके आसपास इजीली मिल जाते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। आई विल टीच यू टू रेसिपीज इन टू वीडियोस। इस फर्स्ट वीडियो में दिखाते हैं वेजिटेबल पोरियल, PORIYAL, तमिलनाडु और केरला का स्पेशल डिश है और बहुत ही बेहतरीन है, कोकोनट के साथ बनता है। सो लेट अस स्टार्ट। आई विल फर्स्ट शो यू द इंग्रेडिएंट्स व्हाट आई यूज्ड इन मेकिंग वेज पोरियल। सो दिस इज चॉप्ड ग्रीन बीन्स, फ्रेंच बीन्स मैंने चॉप कर लिया है, बारीक चॉप कर लिया है। देन कैरेट को मैंने चॉप कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। ऑनियन को चॉप कर लिया है, गार्लिक को चॉप कर लिया है। एंड देन आई चॉप सम ग्रीन चिलीज, जिंजर, कोकोनट, कोकोनट को ग्रेट कर लिया है, फ्रेश कोकोनट है ये। और साथ में स्पाइसेस क्या यूज होंगे ये देखिए, मस्टर्ड सीड्स, ब्लैक पेपर, क्यूमिन, जीरा, रेड चिली एंड ऑफ कोर्स करी लीव्स। सो वी विल मेक वेज पोरियल विद ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स। आई शो यू हाउ टू मेक इट। सो लेट अस स्टार्ट विद वेज पोरियल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक सम मस्टर्ड सीड्स। हियर आर मस्टर्ड सीड्स। ये मैंने रिफाइंड ऑयल ले लिया है, आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं टू गेट अ बेटर फ्लेवर। यूज कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड सीड्स, क्यूमिन, सम ब्लैक पेपर, रेड चिली एंड करी लीव्स, ये सब मैंने इसमें डाल दिया। उसके बाद आई एम गोइंग टू पुट सम जिंजर, सम गार्लिक, सम ग्रीन चिली चॉप। इतना बेहतरीन खुशबू आ रहा है, आपके किचन में बिल्कुल साउथ इंडियन फ्लेवर का खुशबू आएगा। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू पुट इन सम चॉप अनियन, देखिए दिस इज चॉप अनियन। इन चीजों को हमें ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ सौते करना है। एंड गेट अ ब्यूटीफुल फ्लेवर एंड अरोमा कमिंग आउट फ्रॉम दिस थिंग, फ्रॉम दिस स्पाइसेस एंड इंग्रेडिएंट्स। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और इसके बाद आई एम गोइंग टू पुट इन सम कैरेट। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, इवन यू कैन हैव दिस इन द ब्रेकफास्ट एंड लंच और डिनर। तो जिस तरीके से हम नॉर्थ इंडियन लोग मिक्स वेजिटेबल बनाते हैं, उससे भी बेहतरीन फ्लेवर और बढ़िया न्यूट्रिशन यू विल गेट इन दिस। नेक्स्ट आई एम पुटिंग इन सम बीन, देखिए। अब इसको थोड़ा सा सॉल्ट डाल के थोड़ी देर तक सौते होने देंगे। सॉल्ट डाल दिया, थोड़ा सा टेंडर करेंगे वेजिटेबल्स को, सॉफ्ट करेंगे। और यही वजह है कि मैंने इनको चॉप किया है ताकि ये आसानी से सॉफ्ट हो जाए, छोटा छोटा काट लिया है। और जब ये सॉफ्ट होने लगेंगे देन आई एम गोइंग टू पुट इन सम ग्रेटेड कोकोनट। यू सी हियर ग्रेटेड कोकोनट। क्वांटिटी प्रोपोर्शन क्या रहता है तीनों चीजों का एक समान, तो कैरेट, बीन्स और कोकोनट आपने तीनों इक्वल क्वांटिटी में लेना है और ओनियन उससे हाफ क्वांटिटी में। सो दिस इज द थिंग, यू सी हाउ ब्यूटीफुल इट लुक, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब इसको ढक देंगे और ढक के पकने देंगे तकरीबन 5 मिनट तक। ये देखिए, अब 5 मिनट के बाद ये हमारी सब्जी बहुत अच्छे से पक चुकी है वेज पोरियल की और बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है। असली खाने की पहचान ही यही है कि जो आप बना रहे हैं उस चीज़ की खुशबू महसूस होनी चाहिए, और जब आपके रसोई में वो खुशबू आने लगी तो समझिए आप एक असली जेन्युइन कुक बन गए, राइट। सो आई विल टीच यू वॉट एवर इज जेन्युइन एंड वॉट एवर इज रियल। तो ये अब बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है। इस स्टेज पे इसको हम प्लेटिंग करेंगे, इस पोरियल को हम निकाल लेंगे एक खूबसूरत से आंतरी डिश में। देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है, इसको आप पराठे के साथ खाइए या फिर राइस के साथ खाइए। और जो भी गेस्ट आपके घर में कभी आए हैं उनको ज़रूर खिलाइए। तो हमारे नॉर्थ इंडियन खाने से काफ़ी हद तक अलग है ये, और ऊपर से इसमें गार्निश के तौर पे थोड़ा सा लेमन, ये देखिए थोड़ा सा लेमन डाल रहा हूँ, और साथ में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, हाउ टेम्पटिंग। एंड दिस इज द वेज पोरियल विच यू सी हेयर। डू ट्राई इट एट योर होम एंड आई होप यू लाइक दिस रेसिपी एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।